नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। मुर्गियों को खूनी दस्त रोग से बचाने के उपाय। केले की फसल से अधिक फल उत्पादन के लिए जरूरी कार्य। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक किसान भाई कृषि सह व्यवस्थाओं के अंतर्गत मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं और अधिक लाभ भी कमाते हैं, लेकिन इस व्यवसाय में कई घातक रोगों का प्रकोप होता है। इन्हीं में से एक रोग है कॉक्सिडियोसिस या खूनी दस्त। ये एक भयंकर परजीवी रोग है। इस रोग के कारण मुर्गियों के चूजे बहुत तेजी से मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में बदल जाता है। तो आप कैसे करें इस रोग की पहचान और समय रहते उपचार, आइए जानते हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल से। किसान भाई, आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आप अपने जो मुर्गियों का फार्म है उसमें कॉक्सिडिया नामक जो बीमारी है उसको आने से किस प्रकार रोकेंगे, और अगर किसी कारण से आपकी मुर्गियों में ये बीमारी आ जाती है तो किस तरीके से उसका नियंत्रण करेंगे। सर्वप्रथम बात करें कॉक्सिडिया क्या होता है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, ये एक प्रकार का परजीवी है, प्रोटोजोआ है। लीटर का गीला होना और मौसम का भी ज़्यादा नमी का होना, इसलिए सामान्यतः ये बीमारी बरसात के समय ज़्यादा होती है। मुर्गी में कॉक्सिडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। सर्वप्रथम जाने की ये बीमारी क्यों होती है। ये बीमारी का होने का मुख्य कारण है नमी ज्यादा होने से जो मुर्गियों का लीटर है जिस पर मुर्गियां रहती हैं, बुराता है, वो सूखता नहीं है, और ना सूखने के कारण जो कॉक्सिडिया के स्पोर जो इनके अंडे हैं वो जो बुरादे में पड़े हुए हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, और मुर्गी जब उनको ग्रहण करती है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। जब कभी हमारे फार्म में कोई एक मुर्गी को जब दस्त लगते हैं और तब अगर वो अपनी फीसिस जो लीटर में या कहीं और वो फीसिस बॉयड करती है, निकालती है, तो उसको अगर दूसरी मुर्गी किसी भी तरीके से या तो पानी में फीसिस गिरी हो उसको पानी को पी ले, या लीटर चुगने की आदत होती है वहाँ से उसको ग्रहण कर ले, या किसी काम करने वाले व्यक्ति या कोई भारी व्यक्ति अपने जूतों में या अपने कपड़ों में अगर ये कॉक्सिडिया नामक परजीवी को अगर लेकर बाहर से आता है, किसी प्रकार से वो मुर्गी उसको ग्रहण कर ले, तो मुर्गी के आंत में वो कॉक्सिडिया चला जाता है और फिर वहाँ पर बहुत उसकी वृद्धि के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और वो कॉक्सिडिया तेजी से वृद्धि करता है और उसकी लाखों करोड़ों में संख्या हो जाती है, और यदि उसका नियंत्रण ना किया जाए तो ये कॉक्सिडिया आंत के अंदर छाले बना देता है, जिससे कि मुर्गियों को सबसे पहले दस्त लगते हैं, फिर वो दस्त और पतले दस्त हो जाते हैं, फिर आगे चलकर वो खूनी दस्त उनको लगने लगते हैं, और अगर उनकी रोकथाम ना की जाए तो ये खूनी दस्त के बाद में मुर्गियों में मृत्यु भी शुरू हो जाती है।
और इस दौरान मुर्गियों की ग्रोथ जो है उनकी वृद्धि दर वो भी कम हो जाएगी और उनका अंडा उत्पादन बहुत कम हो जाता है और लगभग सामान्यतः बीमारी के समय अंडा उत्पादन शून्य हो जाता है। तो किसी भी बीमारी के लिए कहा गया है कि यदि इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यदि उसको रोकथाम उसकी कर ली जाए तो उसका इलाज में आने वाले खर्चे से बचा जा सकता है, क्योंकि रोकथाम में जो खर्चा लगना है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो रोकथाम के लिए सामान्यतः इनके जो मुर्गियों का दाना है उसमें हम कोक्सीडियो स्टेट नाम से कई सारी दवाइयां बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप उनके दाने में इसको मिला सकते हैं। उनको हम नाम बता सकते हैं, लासोलेसिड, मोनेंसिन और डाइक्लोराजोल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छे असरकारक कोक्सीडियो स्टेट हैं जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में दाने में मिलाने पड़ते हैं और उनका खर्चा प्रति टन 50 रुपये के आसपास आता है और इसमें आपकी मुर्गियों में रोकथाम बहुत अच्छे से हो जाएगी। कोक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई, सप्ताह में कम से कम एक बार। समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। यदि आपकी मुर्गियों के समूह में समस्या आ रही है तो उनको तत्काल प्रभाव से कुछ दवाइयां देने की जरूरत होती है, जिनमें प्रमुख हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स के जो बाजार में कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं, सल्फा डिमिडिरिन, सल्फा क्विनोक्सिलिन, जिनमें सुप्राकॉक्स या फिर बेनकॉक्स, ये दवाइयां प्रमुख हैं। आप इनको मुर्गियों के पानी में मिलाकर दे सकते हैं और इसके अलावा जरूरत पड़े तो हमको एंटीबायोटिक के जेंटामाइसिन के इंजेक्शन भी देना पड़ते हैं, क्योंकि कई बार जब कोक्सीडिया नामक बीमारी आती है तो इस बीमारी के लक्षणों के साथ साथ में मुर्गी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, तो उसमें द्वितीयक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको इन्फेक्शन को रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन या सेप्टियोफर सोडियम भी आपको उपयोग करना चाहिए। और साथ में चूँकि ये बीमारी में मुर्गियों की आंत में रक्त शराब होता है, उनमें रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, इनके सिरप का भी इस्तेमाल उनके पानी में करना चाहिए, जिससे कि उनमें उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ जाए और उनमें जो रक्त की कमी हुई है वो अतिशीघ्र पूरी हो, जिससे कि आपकी मुर्गियाँ उत्पादन पर वापस आएं और आपका जो फार्म का लाभ है वो निरंतर बना रहे। धन्यवाद किसान भाइयों, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नीतीश कुमार नहीं है पीएम पद के उम्मीदवार, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, 2024 के चुनाव के बाद होगा प्रधानमंत्री का चयन। पटना जंक्शन पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ का सोना जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। ऑनलाइन ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे देश के अनेक किसान भाई केले की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी केले की फसल लगाई है तो उससे अधिक फल प्राप्ति के लिए किए कुछ जरूरी कार्यों का किया जाना आवश्यक होता है। कौन कौन से हैं वह महत्वपूर्ण कार्य, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़। केला के रख रखाव में किसान भाइयों, इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, प्रचंड गर्मी चल रही है और जून का महीना है, इस समय उसका
बड़ा विशेष ध्यान रखना है। क्या है कि इस समय ही किसान भाइयों टेम्परेचर के साथ में तेज हवाएं जो चलती हैं जो हमारी केला की फसल को बहुत हानि पहुंचाती हैं, और हमारे केले का जो पौधा है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके ऊपर ऊपर की जो पत्तियाँ जो सूख के उसके सूख जाती हैं, उसके तने के ऊपर जो रैप लगा रहता है उसको जिसे हम रैपिंग की क्रिया भी बोलते हैं उसको निकालना नहीं है, क्योंकि इस समय गर्मी से पौधे को बचाने के लिए उसमें तरलता बनाए रखने के लिए उसका महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसको बनाए रखें। दूसरे किसान भाइयों हो सके तो जहाँ आप केले की फसल लगाते हैं तो ऐसी जगह उसे लगाएं कि जहाँ विंड ब्रेक्स पहले से लगे हों, जहाँ हवा को रोकने के लिए प्राकृतिक तरीके से पौधे वो लगे हों या कहीं बाउंड्रीज हों जिससे हवा डायरेक्ट पौधों पर अटैक ना करें, इस तरह का भी अगर हो सके तो आप विंड ब्रेक्स का चारों तरफ खेत के अपने जरूर लगाएं जिससे हमारी पौधों पे डायरेक्ट गर्म हवाओं का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जो इसके अंदर हमारा सुबूल है और भी कई इस तरह के खेत के आसपास लगाए जाते हैं। और इस समय जो महत्वपूर्ण कार्य करना है किसान भाइयों सिंचाई का निरंतर उसमें प्रभाव बना रखें। अगर आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा, एक समान फल मिलेंगे, फलों का एक साथ पकेंगे, एक साथ फसल कटेगी। जहाँ तक बात सिंचाई प्रबंधन की है तो केला की फसल में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए, इसके लिए 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके साथ ही केला की फसल में जड़ों के आसपास पुआल या अन्य अवशेषों से मल्चिंग करनी चाहिए जिससे फसल में सिंचाई की मात्रा आधी हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों केले के प्रबंधन के लिए आपको एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के कार्य करना है। सबसे पहले तो जहाँ हमने केला लगाया है वहाँ खरपतवारों की समूल खुरपी से निदाई गुड़ाई के माध्यम से उसको नष्ट करें, उसके ऊपर जो हमारा केला है उस तेज हवाओं से न गिरे इसके लिए उस पर मिट्टी का जरूर चढ़ाव करें। जब हमारा केले पर मिट्टी चढ़ जाए उसके उसी समय एक क्रिया और की जाती है डीसकरिंग जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारे साइड से दूसरे पौधे उसमें निकलने लगते हैं उनको वो काटते रहें, सिर्फ एक उसके साइड में छोड़ें जिसको अगली बार के लिए फसल के लिए तैयार हो जाएगा। कि अच्छे उत्पादन के लिए हमें पोषक तत्व प्रबंधन बहुत जरूरी है। पोषक तत्व प्रबंधन में किसान भाइयों में रासायनिकों के साथ में हमें जैविक का भी प्रयोग करना है। हो सके तो हमें जब हमने केले का स्थापना की थी पौधे की उसी समय उसमें गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया होगा। गर्मियों के मौसम में इस समय जो प्रबंधन है उसमें ज़्यादा रसायन नहीं देना है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों जो किसान ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो वो एक बेंचरी जो हमारा सिस्टम है उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर जो हमारे हैं तरल उर्वरक उनका प्रयोग उसमें करना है। 1919 है 2020 है NPK के जो हमारे आते हैं उनको आप उसमें डालें और उसको घोल बना करके बेंचुरी को ट्यूब उसमें डाल दें और धीरे धीरे वो सिंचाई के साथ में ही आपका उर्वरक पहुंचता रहेगा। तो इसकी काफ़ी कम मात्रा लगती है और इसकी जो उत्पादन की क्षमता है उर्वरक की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, सिंचाई का भी फायदा पूरा मिलता है और हमें उर्वरक का पूरा फायदा पौधे को मिलता है। तो इससे हमारे पौधे में अच्छे से अच्छे फल लगते हैं और भरपूर उत्पादन आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों फसल सुरक्षा के अंतर्गत बात करते हैं बनाना विटल कीट की। इस कीट के वयस्क रिंग लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा हल्का गुलाबीपन लिए हुए काले रंग का होता है और इस पर पतली पतली धारियां होती हैं। इस कीट के वयस्क और रिंगक दोनों ही केले की फसल को क्षति पहुंचाते हैं। मादा कीट पौधों के प्रकंदों के ऊपर छेद बनाकर अंडे देती है। इसमें जो रिंगक निकलते हैं वे प्रकंदों व तनों में छेद करके अंदर ही अंदर सुरंगें बनाते हैं। केलों की संख्या बहुत कम हो जाती है और केले छोटे छोटे लगते हैं। तेज हवा चलने पर क्षतिग्रस्त स्थान से पौधे टूटकर गिर जाते हैं। कभी कभी तनों के छिद्रों में जीवाणुओं का आक्रमण हो जाने से दुर्गंध युक्त सड़न भी शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अगर कीटों का प्रकोप आर्थिक स्तर से अधिक है तो कीटनाशक हिप्रोनिल 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। इसके बाद रोगों की बात करें तो केला की फसल में पत्ती धब्बा और पनामा रोग का अधिक प्रकोप होता है। इन रोगों के बारे में किसानों को जानकारी नहीं होने के कारण फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। तो इन रोगों की समय से पहचान कर नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करने से इन रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कुछ बैक्टीरिया जनित भी रोग इस तरह के आने की संभावना है तो इसका सबसे बढ़िया है किसान भाइयों कि आप टिश्यू कल्चर लैब से ही पौधे लें जो रोग और कीटों से बिल्कुल सुरक्षित होंगे। साथ में रोग प्रतिरोधक जातियाँ जैसे G9 आजकल बहुत पॉपुलर किस्म है केला की, इसका प्रयोग करें क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से इस तरह की प्रतिरोधक जाती है और हमारे इस क्षेत्र के लिए काफ़ी
अच्छी पाई गई है, तो आप रोग प्रतिरोधक जातियों का ही चुनाव करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। नीतीश कुमार नहीं है पीएम पद के उम्मीदवार, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, 2024 के चुनाव के बाद होगा प्रधानमंत्री का चयन। पटना जंक्शन पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ का सोना जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में बड़ी कामयाबी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में छुटपुट से मध्यम बादल छाए रहने और वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 12 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेत में पानी बचाने के लिए तालाब बनवाएं और जल संरक्षण के लिए बांधों की मरम्मत करें। धान की उन्नत तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR 81, JR 206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH 5, JRH 8, JRH 19, पूसा बासमती का चयन करें और मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1, IR 64, IR 35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में धान का रोपण करना हो उसके 20वां भाग पर नर्सरी लगाएं। सघन धान प्रणाली यानी SRI विधि में 1 हेक्टेयर के लिए 100 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। अच्छी तरह से चूर्णित मिट्टी का उपयोग पौधशाला में करनी चाहिए और पौधशाला की लंबाई चौड़ाई कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। पौधशाला तैयार करने के दौरान अच्छी तरह से विघटित गोबर की खाद उचित मात्रा नर्सरी की मिट्टी में मिश्रित करें एवं रोपाई 25x25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। पौधशाला के रोपण तारीख पानी की उपलब्धता और मानसून की शुरुआत के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में, अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव, लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों को लगाएं। इसमें JS 20-29, JS 20-34, JS 20-69, JS 20-94, JS 20-98, JS 20-116 का चयन करें। उपलब्ध सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लें। पीला मोजैक बीमारी की रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशक थायमेथोक्साम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS 1.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके बुआई करें।
नवरोपित छोटे पौधे जैसे आम, अमरूद, नींबू आदि की नियमित आवश्यकता अनुसार पानी देकर थालों में नमी बनाए रखें और लू से बचाव के लिए टटिया लगाएं। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूँ, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जखना जिला कटनी के किसान शिव कुमार यादव ने। आप पशुओं में तनाव की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं, तो शिव कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि के साथ साथ पशुपालन सभी किसान करते हैं और कृषि के बाद पशुपालन से आय का उनका एक मुख्य साधन है। पशुओं में अत्यधिक तनाव भी होता है जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर काफी कुप्रभाव पड़ता है। हमारे बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनके पशुओं में कुछ समस्याएं देखने में आती है जिनको कई बार किसान भाई समझ ही नहीं पाते हैं, जिस कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं पशुओं में स्ट्रेस यानी तनाव की समस्या पर। तो इस समस्या को किसान भाई अपने पशुओं में कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। पशुओं में जो तनाव होता है उनके स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें कई तरह के कुप्रभाव होते हैं। अत्यधिक तनाव के कारण पशुओं को भूख भी कम हो जाती है, पाचन क्रिया पर सीधा असर होता है जिससे पशु को पतले दस्त होते हैं, गोबर कम आता है, कम खाने से पशु सूखने लगता है, उसके दूध उत्पादन पर असर पड़ता है। किसान भाइयों, तनाव की समस्या से अपने पशुओं को बचाने के लिए आपको सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो पशुओं के तनाव में आने के कौन कौन से कारण हैं और इनके बचाव के उपाय क्या है, आइए जानते हैं। अत्यधिक तनाव या ज्यादा तनाव होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें कि पशु के एक स्थान में बदलाव होना तनाव उत्पन्न करता है, ये भी एक कारण बनता है। नए स्थान में आने पर पशु को भी तनाव होता है, कई बार सामान्य स्थिति में कुछ दिन लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशु का विशेष ख्याल रखें, पशु के शरीर पर हाथ फिराए एवं उसे ज़्यादा समय दे, इससे पशु नई परिस्थिति में जल्दी ढलता है और तनाव भी नहीं आएगा। पशु को परिवहन के कारण भी स्ट्रेस होता है। मौसम के बदलाव पशुओं में स्ट्रेस का मुख्य कारण है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी तनाव पैदा करती है। बदलते मौसम में भी पशुओं का विशेष ध्यान रखें। छोटे बाड़े में ज़्यादा पशुओं को रखना भी तनाव का कारण होता है। जगह की कमी से कई बार पशुओं को चोट लगने का भी खतरा होता है, इस बात का विशेष ख्याल रखें, बाड़े में प्रत्येक पशु को पर्याप्त जगह मिले। पशुओं के बाड़े में मक्खी, मच्छर, चीचड़ इनका होना भी पशु को तनावग्रस्त करता है। पशुपालकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाड़े में मक्खी, मच्छर, चीचड़े, जुएं इत्यादि उत्पन्न न हो पाए और समय पर इसकी रोकथाम के उचित प्रयास करने चाहिए। पशुपालकों को पशुओं के पीने के पानी के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। अपर्याप्त पानी से पशुओं में पानी की कमी हो जाती है, ये डिहाइड्रेशन के साथ साथ पशुओं में तनाव का कारण भी बनता है। इसके लिए ज़रूरी है कि पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में समय समय पर दिया जाना चाहिए। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी साफ हो, पीने का जल, उसका तापमान भी विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। गर्मी में पानी ठंडा हो, सर्दी में पानी गुनगुना हो और अत्यधिक ठंडा नहीं हो। और चारा रखने की जगह साफ होनी चाहिए, चारा बांट में एकदम बदलाव नहीं करना चाहिए। और अगर आप नया चारा और बांट खरीद रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें बदलाव करना चाहिए। और अगर आप कहीं से पशु खरीद कर आप ला रहे हैं तो आप ध्यान रहे
कि जिस पशुपालक से आप या जहाँ से आप पशु खरीद रहे हैं तो पहले उसको क्या खिलाया जा रहा था, तो उसी प्रकार का आप कम से कम 5 से 7 दिन तक वही चारा और बांट उस पशु को दे, तो उसमें तनाव का कारण कम होगा। पशुपालकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पशुओं के सामान्य व्यवहार के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। सामान्य व्यवहार में जरा भी परिवर्तन आए तो ध्यान रखें कि उन परिवर्तनों के बारे में नज़दीकी से पहचान करें, पशु चिकित्सक को बताएं, ताकि तनाव से उत्पन्न होने वाले खतरों से पशुओं को समय पर बचाया जा सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर